जो अब हम करने वाले हैं मेंटल मैथ क्लास सेवन्थ का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। यहाँ पर बच्चों मैं हूँ हरी सर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल चलो कदम बढ़ाए। बच्चों मैं आपको थैंक यू बोलता हूँ मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए, देखने के लिए और इसको शेयर करने के लिए, साथ ही कमेंट्स करने के लिए भी मैं आप सभी बच्चों का थैंक यू बोलता हूँ। तो बच्चों चलते हैं 31 क्वेश्चन नंबर पर। यहाँ पर देखो क्या कहता है ये क्वेश्चन, लिखा इन द फिगर इट इज गिवन दैट ए बी पैरेलल सी डी। ठीक है, यहाँ पर फिगर दी हुई है तो ए बी पैरेलल है सी डी के, ठीक है। एंड ए बी ओ, यहाँ पर बच्चों ए बी ओ ये यहाँ पर 50 डिग्री दिया हुआ है तो मैं इसको 50 डिग्री लिख लेता हूँ। एंड सी डी ओ, और सी डी ओ यहाँ पर है ये 40 डिग्री, अब इसको लिख लेते हैं। और फाइंड द मेजर बी ओ डी, तो बी ओ डी तो हमें ये एंगल फाइंड आउट करना होगा बच्चों। तो इस एंगल को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, अब मैं आपको एक बात बताता हूं कि हमें एक कंस्ट्रक्शन करनी होगी, क्या कि हमें ए बी के पैरेलल यहां पर कोई भी लाइन एक ड्रॉ करनी होगी इस तरीके से। ठीक है बच्चों, हम यहां पर एक क्या कर देते हैं, ड्रॉ कर देते हैं। आइए मैं आपको करके दिखाता हूं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को मैंने पहले से लिख के रखा है लेकिन कंस्ट्रक्शन मैं आपके सामने ही करूँगा। ये देखिए यहाँ पर, यहाँ पर आपको एक कंस्ट्रक्शन करनी होगी, उसको नाम आप दे सकते हैं ई एफ, आप नाम दे सकते हैं ई एफ। ठीक है बच्चों, यहाँ पर तो यहाँ पर ये हमने कंस्ट्रक्शन कर ली। अब बच्चों क्योंकि यहाँ इस एंगल की मेजर दी हुई है ए बी ओ की 50 डिग्री, और यहाँ पर साथ ही दी हुई एंगल सी डी ओ की वैल्यू है 40 डिग्री। अब बच्चों देखो यहाँ पर हमने ए बी ड्रॉ ए बी पैरेलल ई एफ, ठीक है, तो ए बी तो पहले से सी डी के पैरेलल थी तो इसका मतलब सी डी पैरेलल होगी ई एफ के भी, यानी तीनों आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी। अब मान लीजिए ए बी पैरेलल है ई एफ के तो बी ओ क्या हो गई, एक ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। तो एंगल ए यहाँ पर देखो ए बी ओ इक्वल होगा एंगल बी ओ एफ, ठीक है, ये एंगल दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, अल्टरनेट एंगल होते हैं। साथ ही यहां पर हम फिर देखते हैं ई एफ पैरेलल है सी डी के, और यहां पर डी ओ क्या हो गई, ये एक ट्रांसवर्सल लाइन होगी, तो ये एंगल इक्वल होगा, यानी सी डी ओ एंगल इक्वल होगा एफ ओ डी ये वाला, ठीक है, तो ये भी अल्टरनेट एंगल होते हैं। फिर हम दोनों को बी ओ डी फाइंड करना, तो इन दोनों एंगल को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। आइए करना शुरू करते हैं। तो देखो बच्चों यहां पर लिखा है ए बी पैरेलल सी डी, ठीक है, ये दोनों पैरेलल हैं। हम इसमें कंस्ट्रक्ट करते हैं एक कंस्ट्रक्शन, ठीक है, यहां पर ड्रा ए बी पैरेलल ई एफ, ठीक है, ड्रा ए बी पैरेलल ई एफ, देन ई एफ पैरेलल हो जाएगी सी डी के। ठीक है बच्चों, ये आपको ध्यान देना है। अब हमें एंगल फाइंड आउट करना है। देखो यहां पर ए बी पैरेलल ई एफ ये हमने किए ड्रा, और यहाँ पर बी ओ एक ट्रांसवर्सल लाइन है तो उसको लिख लेते हैं, बी ओ इज ए ट्रांसवर्सल लाइन। ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है तो यहां पर बच्चों मैं लिखता हूं एंगल ए बी, ठीक है, ए बी ओ इक्वल एंगल बी ओ एफ, बी ओ एफ, तो इन एंगल को बोलते हैं एंगल जो होते हैं अल्टरनेट एंगल। ठीक है, अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो ए ए बी ओ की वैल्यू है बच्चों यहां पर 50 डिग्री, तो एंगल बी ओ एफ की वैल्यू भी आएगी 50 डिग्री। ठीक है बच्चों, इस तरीके से। तो आइए अब एक बार फिर ले लेते हैं ई एफ पैरेलल सी डी, एंड यहां पर एंड लिख लेता हूं, एंड डी ओ इज ए ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, तो एंगल सी डी ओ, सी डी ओ इक्वल होगा एंगल डी ओ एफ, डी ओ एफ ये भी क्या हो जाते हैं, अल्टरनेट एंगल हो जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से। तो अब सी डी ओ की तो वैल्यू गिवन है बच्चों, यहां पर सी डी ओ की वैल्यू है
40 डिग्री, ठीक है, तो डी ओ एफ की वैल्यू भी आ जाएगी 40 डिग्री, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना था, हमें फाइंड करना था बी ओ डी, तो एंगल बी ओ डी। अब बी ओ डी में हमने देखा कि टू एंगल लग रहे हैं यहाँ पर, बी ओ डी में एक तो बी ओ एफ और एक डी ओ एफ। आइए लिख लेते हैं, एंगल बी ओ एफ प्लस एंगल डी ओ एफ, ठीक है। तो यहाँ पर बी ओ डी की वैल्यू अब आ जाएगी, तो बी ओ एफ है 50 डिग्री और डी ओ एफ है 40 डिग्री, और दोनों को ऐड किया तो आ गया 90 डिग्री। तो एंगल बी ओ डी की वैल्यू आ गई बच्चों 90 डिग्री। तो बच्चों ये क्वेश्चन सोल्व हो गया है। आपको ये क्वेश्चन कैसे लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखें, और इसमें से सीख कर आप दूसरे बच्चों को ज़रूर सिखाएं। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।